वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान में। और न्यूज अपडेट आपने देखी ब्रेक में, और जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपको बताया था कि आज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है जो कि दुनिया भर में मनाया जा रहा है, और इसी हवाले से हम प्रोग्राम में बात भी करेंगे। हमने दावत दी है, हमारे जो गेस्ट हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। करीमुल्ला अदनी साहब हैं, मैनेजिंग पार्टनर अलियन एसोसिएट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा करीमुल्ला साहब, बात करेंगे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है, तो जरा हमारे नाज़रीन के लिए आसान अल्फाज में बता दीजिएगा कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं ये असल में होते क्या हैं, और पाकिस्तान में इसके हवाले से लोगों को इतनी कम अवेयरनेस क्यों है, आगाही इतनी कम क्यों है? देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कोई कोई दूसरी दुनिया की चीज नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। एक्चुअली आप सुबह उठते हैं, सुबह उठकर जिस साबुन से आप नहाते हैं उसका ब्रांड, जो कपड़े आप पहनते हैं उसका ब्रांड, जो मेडिसिन आप खाते हैं, जो ब्रेकफास्ट आप करते हैं, हर आप सुबह से ब्रांड्स में खेल रहे होते हैं। या कॉपीराइट, जो आप टीवी देखते हैं वो कॉपीराइट है, मेडिसिन पेटेंट है, जो कपड़े पहनते हैं जैसे लॉन प्रिंट्स हैं या जितनी चीज़ें हैं वो सब ब्रांड, सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अगर हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते हैं तो वो होगा ये कि हमारा जो इंटेलेक्ट, जो इन्वेंशन करने वाले जो लोग हैं वो डिस्करेज होते थे, वो कोई इन्वेंशन जहन बंद हो जाते हैं। जब उनके जहन जब खुलेंगे, जब उनको कोई इंसेंटिव मिलेगा, उनको उनकी तहकीक का हक मिलेगा और उसके उनके जो कॉस्ट रॉयल्टी मिलेगी, तो हमारे अभी बहुत बड़े बड़े ब्रेन है वो सारा ब्रेन ड्रेन होके बाहर जाते हैं, बाहर जाके उनको उनका हक मिलता है, उसका राइट मिलता है। अभी, अभी जब आप बात करें तो आपने जिक्र किया पेटेंट्स का और कॉपीराइट का, ट्रेडमार्क होते हैं, जरा इनमें फर्क बता दें कि ये फर्क क्या होता है? देखिए, ब्रांड्स तो कोई भी ब्रांड, जैसे कोई आपका समा है, ये सर्विस मार्क है, समा एक ब्रांड है। इस तरह कोई भी गाड़ी ले लें आप, या गाड़ी के नाम है, कोई भी या कपड़ों के नाम, कोई भी प्रोडक्ट, वो नाम कहलाते हैं। कॉपीराइट होता है, जैसे आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं या सीडीज में आपने मूवीज बना, डीवीडीज की मूवीज बनाई है, सीडी में सॉन्ग लिरिक्स किए हैं, वो क्रिएट किए, कोई मैप बनाया, कोई डिजाइन किया है, तो ये कॉपीराइट होते हैं। पेटेंट्स के अंदर आपने कोई इन्वेंशन किया, कोई मैकेनिज्म, मोबाइल फोन बनाए हैं, या मोबाइल आपने कोई और ईमेल किया, या आपने मेडिसिंस कोई ऐसी क्रिएट की है, फर्ज करें कैंसर मेडिसिंस पे तहकीक हो रही है, ये मेडिसिंस की जो फॉर्मुलेशन होती है वो पेटेंट होती है, उसके पीछे बहुत ब्रेन होते हैं, साइंटिस्ट काम करते हैं, तो इन्वेंट करते हैं वो, आपकी हमारी जिंदगी को आसान करने के लिए जो चीजें बनाई जाती हैं वो ये पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। ठीक। अच्छा, पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से क्या कानून बनाए गए हैं, क्या कानून हैं, और सबसे बड़ी बात ये, अहम सवाल ये है कि क्या उन पर उसी तरीके से, यानी उनकी रूह के मुताबिक अमल दरामद हो रहा है, और वो कवानीन किस किस हवाले से है? देखिए, पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। हम लाइक आफ्टर पार्टीशन, हम अभी तक 1940 एक्ट ऑफ द ट्रेडमार्क शुरू, पार्टीशन जब हुआ था तो हम उस वक्त से ट्रेडमार्क देख रहे हैं, पेटेंट्स लॉ 1911 हमारे पास चल रहा है, 1962 का हमारे पास कॉपीराइट एक्ट चल रहा है, तो हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। और अब बावजूद अवेयरनेस नहीं है, उसके बावजूद अवेयरनेस जो एक मीडिया के हमें बड़ा ताउन चाहिए कि लोग इसको जुर्म समझें। एक्चुअली हमारे यहाँ बड़े बड़े जुर्म को जुर्म नहीं समझा जाता, तो इसको लोग समझते नहीं है कि ये भी कोई जुर्म है, मगर ये इतना बड़ा जुर्म है कि ये हमारी इकोनॉमिक्स, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको हैम्पर करता है। जिस तरीके से एड्स आपके जिस्म को तबाह करता है, इस तरीके से ये जुर्म जो है आपके पूरी इकोनॉमिक और आपके सोसाइटी को जो है इफेक्ट करता है, तो ये जो चीज़ है, तो ये और इसमें इन्फोर्समेंट अभी एक्चुअली दुनिया भर में हमने अब ट्रिप्स एग्रीमेंट है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अच्छा, इन्फोर्समेंट की बात करें उसकी तरफ भी आते हैं, मुझे बताएगा पाकिस्तान में कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर ये जो कानून हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से पाकिस्तान में, उन पर अमल दरामद हो रहा है, और कौन कौन से शोबे ऐसे जो परवाह ही नहीं करते, जो बिल्कुल अमल दरामद करते ही नहीं है इन कानून पर? देखें, टेक्सटाइल का आप एग्जांपल ले लें, अभी तक पिछले मेरे लॉन्स वगैरह की, आजकल आपने देखा कि बड़े बड़े ब्रांड की और बड़े डिजाइनर्स की इन्होंने लॉन लॉन्च की। आज से पहले ये होता था कि उन लॉन की जो प्रिंट, एक्चुअली जो क्रिएशन होते हैं वो टेक्सटाइल डिजाइनर्स हमारे हैं, जो इंडस वैली से बच्चे बच्चियां निकल रही हैं और जगह से, वो टेक्सटाइल डिजाइन इतनी मेहनत करके वो बड़े बड़े टेक्सटाइल कंपनीज में जॉब करिए, वो एक लॉन का डिज़ाइन क्रिएट करिए, वो क्रिएट करके उसका
महीनों सालों की मेहनत करने के बाद जब वो लॉन मार्केट में आती है तो इमीडिएटली उसकी सेम टू सेम कॉपी आ जाती है। होता हुआ ये है, मतलब ये कि वो बेगम साहिबा सूट पहनती हैं और फिर वो दूसरे दिन उनकी मेड ने पहना होता है, दिल खराब हो जाता है फिर उनका। तो होता ये 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 ये, ये अच्छा खासा बड़ी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा दुख हाउस वाइफ को और बाकी लोगों को इसका बहुत दुख होता होगा। महंगा सूट खरीदा और इतने लाइन में लग के खरीदा, तीन तीन दिन सुबह 9 बजे जाके एग्जीबिशन का इंतजार किया, एंड ऑफ द डे सेकंड डे तो वो था आराम से। सही बात है। तो ये इसका इन्फोर्समेंट होनी अब शुरू हो गई और अभी एक बहुत अच्छा, क्योंकि अब FIA को भी हमने पावर दे दी है और पुलिस को भी कॉपीराइट में पावर दी। अब लेंथी बैटल, हमें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, पुलिस में जाके हम रिपोर्ट करके पुलिस के मोबाइल जाके रेट करते हैं। आपने दो तीन दफा अभी जिक्र किया कि इम्प्लीमेंटेशन का, मुझे ये बताएगा कि पाकिस्तान में कौन सा ऐसा शोभा है जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो कानून हैं उन पर अमल दरामद करवाएगा या जिसे करवाना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि अभी आपने भी बहुत सारी एग्जांपल्स दी हैं, आप देखें कोल्ड ड्रिंक से लेके हार्ड ड्रिंक तक, या फिर आपकी मोबाइल या मोबाइल एसेसरीज हैं, इसके अलावा मोटर बाइक्स हैं, अभी आपने टेक्सटाइल की एग्जाम्पल दी है, खाने पीने की चीजें से लेके जो हम कपड़े पहनने वगैरह तक, यानी कि कपड़ों तक, इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम से लेके मूवीज या सॉन्ग्स तक, गर्ज ये कि हर चीज में वॉयलेशन हो रही है, ठीक है? तो ये जो कवानीन हैं इनको इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? देखिए कानून अपनी जगह है, इम्प्लीमेंट के लिए आपके पास कस्टम्स सबसे पहले, अपार्ट फ्रॉम के हम यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग इमिटेशन है वो तो एक डिफरेंट चीज है जो बाहर से बन के आ रही है। हमारे दोस्त मालिक से भी बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स है जो कंटेनर हमारे वेल नोन ब्रांड्स के वहाँ से इंपोर्ट लोग कर लेते हैं। तो कस्टम का बहुत बड़ा पार्ट है, जुडिशरी बहुत अच्छा पार्ट प्ले कर रही है, जुडिशरी फॉरन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का कोई भी केस जाए जुडिशरी सेकेंड डे इसमें स्टे दे देती है। इवन ये भी कर दिया जुडिशरी ने कि अगर वो मुतमइन होते हैं विदाउट ग्रांटिंग द अदर साइड इमिटेशन के खिलाफ, उनको सुनने से पहले ही आपको कोर्ट स्टे दे देती है। एक्टिवली काम कर रही है पुलिस हमारी बहुत एक्टिवली काम कर रही है। आप जाके पुलिस एक्टिव है? यस। वैसे तो नहीं बनते, बहुत टाइम लगा हमें ये अवेयरनेस क्रिएट करने के, पुलिस को भी ये समझाने के लिए कि ये जुर्म है, वरना पुलिस को समझ में नहीं पता था कि ये है क्या। तो अब पुलिस बहुत स्मार्टली इसमें पार्ट प्ले कर रही है और रेट्स, पहले तो पुलिस से बात लीक आउट हो जाए, जब तक हम पुलिस लेके जाते थे तो वो माल वहां से गायब हो जाता था, तो अब ऐसा नहीं है। और हम पहले आप पुलिस लेके जाते थे तो माल गायब हो जाता था। तो उनको पहले इन्फॉर्म हो जाता था कि हम आ रहे हैं, आप जरा हटा लें, तो बड़ी प्रॉब्लम होती, तो अब ऐसा ठीक है नहीं है। और अब तो हमने ये भी एक स्पेशल पुलिस बनी है जिसके अंदर आप वो थाने के ऊपर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, वहाँ पे भी जाके करें। आमतौर पे थाने के साथ मिलके कुछ वो उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है तो वो भी आप स्किप कर सकते हैं, तो वो जाके रेड करते हैं, बाद में FIR कटा। अच्छा, आपने रेड की बात की, देखें अभी हमारे यहाँ अगर पुलिस आपके साथ जाती है कॉपरेट कर भी रही है तो ये भी कहा जाता है कि अगर इन पर अमल दरामद इन कवानीन पे हो भी रहा है तो वो कवानीन पे अमल दरामद नहीं हो रहा, बल्कि जो जालसाजी की जा रही है, जो काउंटर फीडिंग की जा रही है, उसको मजीद इन चीजों को महंगा कर दिया जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको दूं, रेनबो सेंटर की एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, वहां पर छापा पड़ा था, 30 रुपए की जो CD मिलती थी फिर वो 80 रुपए की मिलने लगी, यानी कि एक इंग्लिश लेटेस्ट मूवी जो आई है वो आप 80 रुपए में वो CD घर लाकर आप देख रहे हैं। इसके अलावा आप जो चीजें, जो इखलाकियात से गिरी हुई चीजें हैं, ठीक है, वो चीजें पहले सामने मिल रही होती थी, छापा पड़ने के बाद वो दुकान के पीछे से फरोख्त हो रही थी, फिर ये कि जो मरकज समझ के तमाम लोग एक जगह मिल के बैठ के काम करते थे फिर वो बिखर गए, यानी कि आसपास की बिल्डिंग्स में या गली कोने नुक्कड़ पे बैठ के वो ये काम करने लगे, फिर ये चीज सामने आती है अगर आप छापे वगैरह मारते हैं। देखिए इम्प्लीमेंटेशन, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कैसिनो रॉयल जेम्स बॉन्ड की बड़ी अच्छी मूवी आई, उसमें बॉक्स ऑफिस वालों ने हमसे कॉन्टेक्ट किया, हमने कोर्ट से भी स्टे लिया, और जब हम रेनबो, जब उन्होंने कहा था रेनबो सेंटर पे आप रेंजर्स का और सबको मिलकर बहुत स्ट्रांग रेड कर रहे हैं, हमने कहा देखे रेड से मसला नहीं होगा, आप उनके एसोसिएशन को बुलाएं, उनके एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है सलीम मेमन, वो हमारे ऑफिस है, हमने बहुत डिटेल उनसे मीटिंग के देखे, आप समझें ये जुर्म है, आप लिटरली आप ये कहें, जब आप प्यार से बात करते हैं ना उनके बात समझ में है। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप हम आपकी मूवीज हम एमिकेबली हमने सेटलमेंट किया, जब तक ये थिएटर पे लगी है उस वक्त तक कम से कम आप ये नहीं करें, और दे अबाइड बाय देयर कमिटमेंट, और उन्होंने ये नहीं किया। दूसरी बात, उन्होंने ये बात बड़ी अच्छी कही, उन्होंने कहा कि आप DVD का किसी को, DVD पे मूवीज पर किसी को लाइसेंस दे दें, अब जब लाइसेंस दे देंगे तो आप भी इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, हम भी कर सकेंगे, अभी अनलाइसेंस है तो हम कितने लोगों को रोकेंगे, तो हम जब तक उनको कोई भी मूवीज आए आप DVDs पर लाइसेंस दे के इम्प्लीमेंट करें, इम्प्लीमेंट हो सकता है,
मगर आप जो ओनर है वो खुद ही अगर खामोश हो जाए और वो इंटरेस्ट ना ले तो डेफिनेटली मतलब वो प्यार की जबान ना समझे, प्यार की जबान ना समझे तो आपके पास लॉज हैं, आप इन्फोर्स तो करें। हम इन्फोर्स करते नहीं है, बस सिर्फ शोर करते हैं, मतलब इन्फोर्समेंट है, लॉज भी है। अच्छा, आप जब जाते हैं पुलिस के साथ या एफआईए के साथ, आपने कहा वो भी आपके साथ होते हैं, तो फिर आप जब पकड़ते हैं, छापा मारते हैं, रेड करते हैं, तो फिर सामने वाले का रिएक्शन क्या होता है? और ज्यादा ढीठ बन जाते हैं या फिर वो अपनी गलती को मानते हैं, नहीं हम गलती कर रहे हैं, हमारी गलती है और हम ये नहीं करेंगे? अब रिएक्शन उनका क्या होता है? हम अगर गलती मानना शुरू कर देते मेरे ख्याल से हम बहुत अच्छी सोसाइटी हो जाए। हम अपनी गलती तो नहीं मानते, हमें काफी प्रॉब्लम, शर्म भी नहीं आती, शर्म भी नहीं आती। हम थोड़ा तो इसको एक है हमारी जेनेटिक शायद प्रॉब्लम है, बहरहाल इसमें ये है